हम लोग ने टर्किश एयरलाइंस बुक किया जो कि 6:30 बजे सुबह दिल्ली से चलती है एंड वी रीच्ड इस्तानबुल आफ्टर अबाउट 7 आवर्स ऑफ फ्लाइट। स्टॉप ओवर और ले ओवर होता है वहाँ पे, करीब 1 घंटे का था हमारा। उसके बाद वी टुक द सेकेंड फ्लाइट जो कि इस्तानबुल से जाती है टू ज्यूरिक, इट्स अबाउट अ 3 आवर फ्लाइट। एंड फिर ज्यूरिक में उतर के हम लोगों ने पहले ट्रेन ली जो कि हमें ले गई पासपोर्ट कंट्रोल और इमिग्रेशन की तरफ। वहाँ इमिग्रेशन और पासपोर्ट कंट्रोल क्लियर करने के बाद वी वेंट टू बैगेज क्लेम। फिर बैगेज क्लेम के कैरोसेल से बेल्ट से बैग उठाए एंड देन वी वेंट आउटसाइड जहाँ पे हमने बुक कर रखी है गाड़ी, विच इज़ अ ई क्लास इनकी मर्सिडीज वालों की वैन है। एंड वी आर नाउ हेडेड टूवर्ड्स द स्ट्रोकन होटल। वेदर इज़ रियली नाइस, वेरी प्लेजेंट, अबाउट 25-26 degrees एंड नाइस एंड सनी। So you are looking forward to having a wonderful time here in Switzerland. Which country are you originally from? I come from Macedonia. It's a beautiful day Zurich mein. Subah subah kareeb 17 centigrade hai temperature yahan ka. Thodi overcast sky hai. Thode se clouds hain and thoda sa slight drizzle hone ki baat hai, but there's a bahut achhi gentle breeze bhi chal rahi hai is waqt. As far as the room itself goes, we decided on the panoramic corner suite. Inke paas aur bhi suites hain, but the reason for this corner suite is because yahan pe do 1920s ke facing walls pe jo painted, so usse hota hai ki do taraf mein windows hain. And ek taraf ka Limart River ka view dikhta hai aur dusri taraf se you can look at the lake and the mountains. So is the J socket, so either or will work, otherwise multi socket bhi log khareedte hain. USB ka to inhone diya hua hai built in, but USB C ke liye you can get the multi socket jo dikh raha hai white wala aapko, to usme side mein USB C wale bhi option hain built in. And so we are excited, abhi we'll go for a little walk. आज सुबह हम लोग ट्रैम नंबर 4 से बैनहॉफ की तरफ आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पियर है, यहाँ पे बहुत अच्छी लेक है। अंडरग्राउंड आपको सब जाना पड़ता है, टेक द स्टेप्स एंड देन क्रॉस द स्ट्रीट ओवर टू द लेक साइड। दूर में आपको पीछे आइस कैप्ड पीक्स भी नज़र आ रही हैं, अभी तो ग्रीनरी है। एज वी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट यू सी द आइस कैप्ड पीक्स लेफ्ट साइड में। हम अभी लिंट म्यूजियम जा रहे हैं जो किल्सबर्ग सिटी में है, तो हमने अभी ये फेरी ली है यहाँ से। देर आर 3 ऑप्शंस, वन कैन टेक ईदर द फेरी और द बस और यू कैन इवन गो बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने फेरी लिया है एंड देख रहे हैं कि एटलीस्ट इट्स अबाउट द 30 मिनट जर्नी थ्रू द लेक ज्यूरिख। तो हमने सोचा थोड़ा लेक ज्यूरिख भी देख लें एज वेल एज गेट अ फील फॉर अ फेरी राइड ऑल्सो। And then we're excited to go to the Lint Museum and then more updates from the museum. हम लोग यहाँ लिंट म्यूजियम पहुंच गए हैं। दिस इज द लिंट एंड द स्पग्नेली म्यूजियम। यहाँ एक चॉकलेट फैक्ट्री का टूर लिया है हमने, तो थोड़ी देर में हम लोग शुरू करेंगे टूर। लिंट होम ऑफ चॉकलेट, इसको यहाँ चॉकलेट म्यूजियम भी कहते हैं लिंट का। सो इट्स अ लिंट म्यूजियम जहाँ पे कि टूर्स होते हैं। ये एक जाना पहचाना डेस्टिनेशन है ज्यूरिख में से करीब 25-30 मिनट की। यू कैन टेक अ फेरी राइड और यू कैन गो बाय बस टू द सिटी ऑफ किल्चबर्ग जो कि लिंट म्यूजियम वहाँ पे हाउस्ड है। एंड स्पेशली फॉर चॉकलेट लवर्स एज वेल एज विजिटर्स जो चॉकलेट के बारे में कुछ हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ पे ग्रो होता है वर्ल्ड में, कैसे बीन्स आती हैं चॉकलेट की, कैसे इनके यहाँ कैंडी बनती हैं, चॉकलेट बार्स बनती है, लिंडोर चॉकलेट बनती हैं, और यहाँ पे टेस्टिंग भी कराते हैं। सो हम लोगों ने लिया था चॉकलेट टूर लिया था विच वॉज द चॉको डिलक्स टूर। इट्स अबाउट अ 90 मिनट टूर और यहाँ पे दिखाते हैं एंट्रेंस पे आपको सबसे पहले दिखेगा एक 9 मीटर टॉल चॉकलेट फाउंटेन है जो काफ़ी इम्प्रेसिव है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द
टॉलेस्ट चॉकलेट फाउंटेन्स इन द वर्ल्ड, जिसमें की करीब 1500 किलोग्राम चॉकलेट इज फ्लोइंग थ्रू इट, एंड वहाँ पे ऑल्सो इंटरैक्टिव एग्जीबिशंस भी हैं एंड एग्जिबिट्स भी हैं. म्यूजियम में चॉकलेट का इतिहास और प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाया जाता है. विजिटर्स को अलग अलग स्टेज की जानकारी मिलती है. थोड़ा वहाँ पे टेस्टिंग भी करा देते हैं, जैसे कि जूस वगैरह जो कि चॉकलेट का ही बनता है फ्रॉम द कोको पॉड से निकाल के. फिर प्रोडक्शन लाइन भी है जहाँ पे कि हर प्रोडक्शन प्रोसेस को उन्होंने एक छोटा प्रोसेस उसमें उन्होंने विजिटर्स के लिए बना रखा है. इट्स ए मिनी प्रोडक्शन लाइन. एंड थ्रू आउट द म्यूजियम चॉकलेट टेस्टिंग भी कराते हैं एट डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ कोको इन इट, एज वेल एज थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि कहाँ से ये कोको आया है, कैसे इन्होंने इसको बनाया है. दिस वॉज अ वेरी एक्साइटिंग ट्रिप फॉर अस, स्पेशली गिवन दैट वी बोथ आर चॉकलेट लवर्स. एंड अगर बुक करना हो तो करीब 30 डेज पहले आप अपना खोजना शुरू कर दीजिए या 35 डेज पहले, क्योंकि वो गाइडेड टूर्स जो चॉको डिलक्स के हैं वो जल्दी भरने लगते हैं. सो प्लीज़ मेक योर रिजर्वेशन इन एडवांस एंड रीच द म्यूजियम अबाउट 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर टूर एंड हैव अ ग्रेट चॉको टाइम. म्यूजियम टूर के बाद अभी हम लिंड के शॉप पे आए हैं और देखिए चारों तरफ सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट्स, वैरायटी देखिए. वी आर बैक ऑन द फेरी आफ्टर द लिंड म्यूजियम और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं ज्यूरिक की तरफ. करीब 20-25 मिनट लगते हैं इस फेरी राइड के लिए. हम लोग सेंट मॉरिस जा रहे हैं बाया हूर, ट्रेन डिपार्ट्स 10:38 AM.